मतलब उनसे जुड़े हो, मतलब दीक्षा नहीं ली आसाराम जी नहीं नहीं बापू नहीं से? उससे कोई मतलब नहीं, मेरा तो स्वामीनारायण धर्म पढ़ता हूँ मैं तो, और मेरा बाप दादा का स्वामीनारायण धर्म है। मैं यही विनंती कर रहा हूँ कि बापू को छोड़ दो, अगर हिंदू समाज को बचाना है तो छोड़ना जरूरी है। देखा है भाई, उद्योगपति है, साड़ी और कपड़े का इनका उद्योग है, उनका यही कहना है कि संत आसाराम जी बापू ऐसा काम कर ही नहीं सकते। अभी हम खड़े हैं सूरत शहर के उधना विस्तार के अंदर। हमारे साथ है उधना विस्तार में कापड़ उद्योग के उद्योगपति, क्या नाम है आपका? रमेश पटेल। कहाँ से ऐसे आप आते हैं? ऐसे मेहसाणा का बिलिया गांव का हूँ मैं, लेकिन सूरत में काफी 20 साल से इधर सूरत में हूँ। 20 सालों से आप यहाँ हो। संत आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, उसके विषय में क्या कहोगे? ये तो सब गलत ही है, समझो कोई राजकारण के हिसाब से सब हुआ है। बाकी मेरे अनुभव से मैं सिर्फ लास्ट में 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ मंडल के साथ, वैसे सेवाओं में डोंग हवा में हम लोग काम कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, घर वापसी प्रोग्राम जो मैं देख रहा हूँ कर रहा हूँ वो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है अभी, और ये सब गलत फंसाया हुआ लगता है मेरे को तो। आपने बताया 4 सालों से मतलब उनसे जुड़े हो, मतलब दीक्षा नहीं ली आसाराम जी बापू से? उससे कोई मतलब नहीं, मेरा तो स्वामीनारायण धर्म पढ़ता हूँ मैं तो, और मेरा बाप दादा का स्वामीनारायण धर्म है, लेकिन मैं सत्संग कोई कोई दिन सुनता हूँ या तो ये लोग मंडल के साथ घूमता हूँ तो मेरे को बहुत संतोष हुई, बहुत मतलब आनंद हुआ है अंदर से। क्या कहोगे देश की सरकार से, प्रशासन से क्या मांग करोगे? बस मैं यही विनती कर रहा हूँ कि बापू को छोड़ दो, अगर हिंदू समाज को बचाना है तो छोड़ना जरूरी है। ऐसे ऐसे गुरु बाहर आएगा तो कोई ना कोई काम करके जाएगा। आपने देखा है भाई, उद्योगपति है, साड़ी और कपड़े का इनका उद्योग है, उनका यही कहना है कि संत आसाराम जी बापू ऐसा काम कर ही नहीं सकते। लगातार भक्त लोग तो मांग कर रहे थे, लेकिन आज जो आसाराम जी बापू से नहीं जुड़े वो लोग भी बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, उधना सूरत से रफ्तार न्यूज़।